कि पापा सही बोलते थे, पढ़ाई करो नहीं तो ये इधर जाओगे तो उधर जाओगे, दिल्ली जाओगे बम्बई जाओगे। वही बात सोचता हूँ, गार्जियन सही बोलता है। मैं पहली बार महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र गए थे तो वहाँ पे मैंने जूस सेंटर में काम किया था, भिवंडी भैया के साथ गए थे 2016 में। तो जूस सेंटर में काम किए तो वहाँ पे ड्यूटी था 10 बजे से लेके दिन में 4 बजे, देता था ब्रेक 7 बजे तक, 3 घंटा आराम, फिर 7 बजे से 3:30 बजे तक ड्यूटी। बहुत हार्ड ड्यूटी था, फिर भी मैंने 2 महीना किया था। 2 महीना वहाँ किए, मेरा तबीयत ख़राब हो गया, बहुत बुखार उखार लग गया। तब तो फिर आ गए गांव, गांव आए तो फिर तबीयत सही हुआ। फिर गांव से आए तो एक आदमी के साथ फिर गया हैदराबाद, होटल था, होटल में बहुत बड़ा होटल था। वो होटल में मैं 6 महीना वहाँ पे रहा, 2017 में, हाँ 2017 में गए थे। फिर वहाँ पे मैं 6 महीना रह के आया, तो फिर उस दिन तो बताए थे कि आप लोग के कि चाचा के साथ गए महाराष्ट्र, तो वहाँ पे रहे, तो कुछ दिन रहने के बाद काम सीख गए, तो सेल्समैन का काम करते थे। वहाँ से छोड़ा तो फिर आगे राजस्थान, राजस्थान रहने लगे, राजस्थान भी 2 साल से रह रहा हूँ। तो यही प्रदेश है, प्रदेश में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, हम लोग को पता है, जो प्रदेश रहते हैं उनको ही पता है कि क्या सब करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारा मानना है कि कोई भी काम हो, कुछ भी हो, डट के करना चाहिए। समय बलवान होता है, आदमी नहीं बलवान होता है, जब जो होगा सो होगा। और मैं तो सोचता हूँ कि मैं कभी भी कोई भी काम करे तो उसमें अच्छा से करे, सफल जरूर होता है, लेट भले ही सही। भगवान के घर में कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं भगवान के घर में, तो वही बात है। और दूसरी बात, मेहनत करते रहिए लगन से, फल मिलेगा ही उसका, और मेहनत कर रहे हैं। कितना आदमी कहता है कि इतना पढ़ लिख के रोड लाइन में आते हो, बेलचा चलाते हो, ये करते हो, करते हो, खाना बनाते हो, लेकिन मैंने तो देखा है कितना अच्छा, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी क्या करेंगे बेचारा, करता है, सरकारी जॉब नहीं मिलता है, क्या करे, कैसे तो जीना है, कमा के खाना, तो चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो नहीं कर रहा हूँ ना, कि हाँ चलो भाई ये इससे नाम बदनामी होगा, मेहनत कर रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ। लेकिन कितना आदमी कहते हैं, मैं कितना आदमी कहता है कि कंपनी में जाओ, अच्छा कंपनी में, मैं तो बहुत अच्छा अच्छा कंपनी में गया हूँ, लेकिन क्या हाल है, क्या सिचुएशन है वहाँ का, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, जहाँ पे हूँ वहाँ पे अच्छा है, जो भी है अच्छा है, ये नहीं कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ गए, कहीं पे एक जगह रहोगे ना आप तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है और मन भी लगता है। तो मैं रोड लाइन में ही रह लिया 2 साल लगभग, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर देखिए अगली बार प्रोग्राम हो रहा है कि रोड लाइन छोड़ेंगे, अब की बार जाएंगे गाँव तो फिर रोड लाइन में नहीं आएंगे, फिर जाएंगे महाराष्ट्र मुंबई, उधर फिर कंपनी में जॉब लगेंगे, फिर साल भर मेहनत करना पड़ेगा, साल भर कंपनी में रह जाएंगे तो कंपनी तरफ से हो जाएंगे तो अच्छा सैलरी वैलरी मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से मैं यही कहता हूँ दोस्तों, कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, और मेरे ब्लॉग को देखने के बाद कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, इतना ही ब्लॉग, ये ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनेंगे दोस्तों, बहुत टाइम लगता है लोड होने, अपलोड होने में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हेलो दोस्तों, है नमस्कार, कैसे हैं आप लोग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश कुमार एम के ब्लॉग 87 पे स्वागत है दोस्तों। पहले
जब पढ़ाई कर रहे थे तब सोचते थे कि हम भी जाएंगे बाहर, दिल्ली मुंबई, तो नया कपड़ा लेंगे, नया मोबाइल लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, बहुत सारा हो रहा था। गांव में कोई आता था ना दिल्ली मुंबई से, देखते थे उनके कपड़ा लत्ता, बड़ा मोबाइल, तो हम भी सोचते थे कि बड़ा मोबाइल लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि दिल्ली मुंबई क्या है, राजस्थान जयपुर, जो आता है उन्हीं को पता रहता है दोस्तों कि क्या करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है, परदेश जब ये आए तब ये अपना ख्याल अपना खुद को रखना पड़ता है, खाना पीना से लेके कपड़ा लत्ता धोना उना सब कुछ खुद से करना पड़ता है। परदेश ऐसे ही नहीं रह लेता है, हम बचपन में सोचते थे। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि वही दिन अच्छा था कि पापा से अच्छा